बस बस हमाद भाई कौन सी चीज है यार? ये जर्मन शेफर्ड है। अच्छा ब्लैक जर्मन शेफर्ड है। मेल है फीमेल है? ये है फीमेल है और फीमेल है और अभी मेरे ख्याल से 6-7 महीने की है। बस 6 महीने की है मेरे ख्याल से। अच्छा खाती वगैरह क्या है, खाने में क्या खाती है? ये खाने में इसको हम देते हैं बॉयल चावल, यखनी और चिकन वगैरह उसमें डालकर। मुर्गी की गर्दनें हो गई, चिकन हो गया और इसका नाम है जेनी। जेनी नाम? इसका नाम है जेनी और ये बहुत 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 शरारती है, बहुत शरारती है जेनी। जेनी जेनी। अच्छा ये अडल्ट कब होगी? ये अडल्ट होगी, फीमेल अडल्ट हो जाती है 9 महीने में, 12 महीने में, बस साल में अडल्ट हो जाएगी। लॉन्ग कॉर्ड है या शॉर्ट कॉर्ड? ये है, ये लॉन्ग कॉर्ड है और ये हमने मतलब बच्चा लिया था, ये अभी नहीं, ये छोटा खरीदा था। ये जामशुरे में घर है हमारा, मेरे कज़न के पास थी ये। इसका मेल भी है, ये फीमेल भी है, मेल वहाँ पर है, फीमेल यहाँ है। कभी मेल यहाँ लाए तो उस पर वीडियो बनाएंगे। और प्रॉपर लॉन्ग कॉर्ड है, ये देखें प्रॉपर लॉन्ग कॉर्ड है। और ये हमने एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के बच्चे परचेस किए थे इस्लामाबाद से और अब तकरीबन ये हो गई है 6 महीने की और मेल हो गया है तकरीबन 8 महीने का। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी देख ही सकते हैं बहुत शरारती है और वैक्सीन वगैरह भी इसकी इनकी हुई भी है। वैसे नाम क्या है इसका? जेनी। जेनी नाम है इसका, मेल का नाम है रॉक। अच्छा और जेनी ये डार्क पिगमेंटेशन है इसकी, डार्क कलर है, जेट ब्लैक है ये मेल में, माशाल्लाह हमारा जेट ब्लैक है। अब ये वही ये एडल्ट हो, थोड़े जवान हो तो इनको इंशाल्लाह मेट करवाएंगे। अभी ये फीमेल यहाँ पर है, इंशाल्लाह मेल भी आया तो मेल भी आया तो मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा। नहीं जेनी 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 और इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी मैंने शुरू करनी है। अभी इसको हैंडशेक वगैरह मैं सिखा रहा हूँ। जेनी जेनी। अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ इसको इसको मैं वॉक करवाता हूँ रात को। और खाना ये 2 टाइम खाती है। जेनी जेनी जेनी। और वॉक करवाता हूँ मैं इसको रात को, लेट नाइट तकरीबन 1-1.5 घंटा मैंने इसको वॉक करवाना शुरू किया। अभी जर्मन शेफर्ड के लिए वॉक वगैरह बहुत ज़रूरी होती है वरना इनकी पीछे की जो टांगे हैं वो बेकार हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। जेनी 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 उफ अल्लाह। अच्छा 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 आ जाओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जेनी। इस नहीं नहीं बस बस चलो। अच्छा ये नॉन पेडी क्या? ये पेडिग्री है और इसका मेल भी पेडिग्री है, इसके पेरेंट्स भी पेडिग्री हैं, पेडिग्री है, कागजात हैं इनके, पिंक पेडिग्री है। अच्छा अभी गर्मी आ रही है तो किस तरीके से रखना है इनको? यार सर्दियों का तो इनका कोई मसला नहीं था, अभी गर्मियों में इनके लिए एयर कूलर है ऊपर, मेल के लिए भी है फीमेल के लिए भी है। इसकी जगह में कमरा ऊपर बना हुआ है तो इसका एयर कूलर भी है तो एयर कूलर इंशाल्लाह चलाएंगे तो एयर कूलर में ही रहेगी और सही रहेगी। यहाँ की गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, कोई भी हस्की हो गया या जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट वगैरह उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एयर कूलर लगा कर रखें। अच्छा ये हमाद बहुत सारे लोग जो हैं मुर्गी के पंजे वगैरह खिलाते हैं ना, तो मकसद इसको खिलाने से क्या मकसद क्या वो है, कुछ फ़ायदा है भी या नहीं, नहीं है मुर्गी क्या? मुर्गी के पंजे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो ऊपर की जो उसकी टांग के वाली हड्डी होती है वो निकालते नहीं है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। वो उससे हमने एक हमारा एक बार कुत्ता भी मरा है, वो हड्डी जो बॉयल करके हम दे देते हैं पूरा पंजा
तो वो हड्डी निकाल लेनी चाहिए। पंजे बहुत बेहतरीन होते हैं कुत्तों के लिए, चावल में मिक्स करके बॉयल करके दे देते हैं, वो हड्डी जो है वो इनका अंदर से पंचर कर देती है, यानी ज़ख्म कर देती है। उसकी वजह से हमारे भी एक ब्लैक शेफर्ड मरा था पिछले साल, और एक दोस्त से उसका भी एक लेबरा मरा है इसी वजह से कि हड्डी वगैरह कुत्तों के पेट में चली जाए तो वो अंदर पंचर कर देती है। तो अगर कोई पंजे दे भी रहा है चावलों के साथ, अव्वल तो मिक्स करके दे, दूसरा वो हड्डी निकाल ले बॉयल करने के बाद, ना खींचेंगे तो हड्डी निकल जाएगी, तो पंजे दे सकते हैं, उसका मसला नहीं है। और डॉग फूड भी दे सकते हैं, जो डॉग फूड बंदा, क्योंकि डॉग फूड महंगा इतना हो गया है, अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो तो फिर बेहतरीन खुराक है पंजे वगैरह या मुर्गी की गर्दनें, मुर्गी के सर हो गए, ये आप बॉयल करके यखनी के साथ चावलों के राइस, वाइट राइस बॉयल कर वो दे सकते हो, बेहतरीन खुराक है इनके लिए ये। इसे मैं दिन में दो बार देता हूँ, एक सुबह और एक रात। सुबह तो बस नाश्ते के तौर पे थोड़ा सा देता हूँ, यानी कह लें डेढ़ पाव, आधा किलो भी नहीं, चावल और वो चिकन की गर्दन वगैरह मिक्स करके, और रात को मैं इसको एक डेढ़ किलो पूरा इसके थाल में देता हूँ यखनी के साथ, वो बड़ा बेहतरीन रहता है। और इसको वॉक वगैरह भी बहुत ज़रूरी है, यही नहीं कि बंदा करीब करके खिलाता ही रहे, वॉक जर्मन शेफर्ड के लिए वॉक इतनी ज़रूरी है जितनी सांस लेना। इनको आप खिलाते रहोगे ये कदर काट नहीं करेंगे जब तक इनकी वॉक नहीं होगी, और अपनी पिछली टांगें ख़राब भी कर लेंगे। तो मैं इसको तकरीबन अभी एक घंटा डेढ़ घंटा वॉक करवाता हूँ इंशाल्लाह, एक डेढ़ घंटा भी बहुत होता है, तो वॉक बहुत ज़रूरी है। यानी आप कितना ही अच्छा कुछ खिला लें और अगर वॉक नहीं खिलाएंगे करवाएंगे आप, तो आपके कुत्ते जान नहीं पकड़ेंगे। चला हाँ, दोबारा ये अपना इतना जेड ब्लैक क्यों है ये, क्या वजह है इसकी, खास वजह क्वालिटी जो है मैं दिखाता हूँ ये क्यों इतना जेड ब्लैक है और इतना बेहतरीन है। अक्सर ब्लैक जर्मन शेफर्ड्स वगैरह ना काले तो होते हैं पर उनके वाइट बाल आगे पीछे से आ रहे होते हैं, तो वो उनकी क्वालिटी का मसला होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी उनमें कम होती है कोई, तो उस वजह से उनकी वाइट बाल आ रहे होते हैं। ये बेहतरीन क्वालिटी है, इसका एक बाल भी पूरी फीमेल में वाइट नहीं है, ये क्वालिटी जाहिर करता है जर्मन शेफर्ड में। यानी तो ये बाल वगैरह बिल्कुल जेट ब्लैक होना, ये प्रोटीन वगैरह पूरे होना और इसके कैल्शियम पूरे होना, इस वजह से बाल जो इनके जेट ब्लैक होते हैं। जिन कुत्तों में कैल्शियम डेफिशिएंसी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी कम होती है उनके अंदर वो ब्लैक जर्मन शेफर्ड में वाइट बाल आ जाते हैं। अब इसमें कहीं भी वाइट बाल नहीं है, ये मेल में भी और फीमेल भी कहीं भी आपको कोई वाइट कलर का बाल नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये जेट ब्लैक, जेट सुन ब्लैक है, ये इसकी क्वालिटी है। ये अपनी खुद क्वालिटी मुँह से बताती है, मतलब मुँह से बताती है कि इसको देख के पता चलता है कि क्या बेहतरीन क्वालिटी है ये। जेनी चलो आ जाओ, जेनी कम